108 एम्बुलेंस में महिला ने दिया बेटी को जन्म। एम्बुलेंस पर तैनात कर्मी ने मां बेटी को सुरक्षित कराया अस्पताल में भर्ती। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक ऐसा नजारा सामने आया है जहां चलती 108 एम्बुलेंस के अंदर ही मां ने बेटी को जन्म दिया है। दरअसल 108 एम्बुलेंस पर तैनात हरदेश कुमार EMT ने बताया कि डिलीवरी को लेकर नसरीन नाम की महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में नसरीन नाम की महिला ने एक बेटी को एम्बुलेंस के अंदर ही जन्म दे दिया, जिसके बाद तुरंत 108 एम्बुलेंस पर तैनात कर्मी ने सुरक्षित मां बेटी को मुरादाबाद के पागबड़ा स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। हरदेश कुमार है, EMT पागबड़ा 108। क्या हुआ सर? हम जो है सुबह ही एक केस लेने गए थे, हमारे पास कॉल आया करीबन 6 बजे से पहले, तो कि एक मतलब महिला की ज़्यादा तबीयत बिगड़ रही थी, मतलब उसके लिए डिलीवरी होने वाली थी। तो हम जब उनके यहाँ सीन पर जब पहुँचे तो उनके लिए बैठा ला, जैसे ही जो है बच्चे का मतलब डिलीवरी होना स्टार्ट हो गई, तो हमने गाड़ी एक साइड में लगाई, अपने आप से डिलीवरी कराई। कराने के बाद बच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित ले जाकर हमने PSC पागवाड़ अस्पताल में भर्ती एडमिट करा दी। गाड़ी के अंदर ही डिलीवरी? जी, गाड़ी के अंदर डिलीवरी हो गई थी। पहली बार हुई? पहले भी ऐसा हुआ है? पहले भी हुई थी सर, हाँ काफी बार। महिला थी जी? महिला थी, बाहंड्री की। माँ बच्चे कैसे हैं? माँ बच्चे दोनों सुरक्षित हैं, बढ़िया हैं, अब आराम से हैं। कौन सा अस्पताल? ये PSC पागवाड़ा। यहाँ कहाँ पर आप तैनात हैं? कहाँ तैनात हैं आप? हम यहाँ पे पागवाड़ा में हैं तैनात, 108 पे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।